क्या आप ऑटिज्म के लक्षण जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे में माइल्ड मॉडरेट या सीवियर ऑटिज्म है और इससे संबंधित मिथ्स या रियलिटी क्या है, ऑटिज्म की डायग्नोसिस कैसे होती है, अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, इसके लिए कौन कौन सी थेरेपीज है जो अधिक इफेक्टिव है, ऑटिज्म में डाइट क्या देते हैं, इसके लिए क्या क्या टूल्स इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, ऑटिज्म का पॉजिटिव साइड क्या है और ऑटिज्म वाले बच्चे क्या क्या चैलेंजेज फेस करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स इसके लिए क्या है, स्पेशल ओलंपिक भारत में आपका बच्चा कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म क्या है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में आपको एक फ्री गिफ्ट भी मिलेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यह सभी जानकारी हमारे बुक लेट ऑटिस्टिक चाइल्ड बी द बेस्ट से लिया गया है। यदि यह बुक आप ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो अमेजन पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यदि आप पेपरबैक कॉपी चाहते हैं तो 9773935777 पर कॉल करके अपना कॉपी मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर वन की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि ऑटिज्म क्या है। सबसे पहला पेरेंट्स के मन में आता है कि ऑटिज्म होता क्या है, तो ये ट्रायड है जिसमें कि तीन चीजें होती हैं, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिपीटिव बिहेवियर। तीन चीजों का एक ट्रायड है, किसी स्पेसिफिक चीज में इंटरेस्ट लेता है ये। अब इसमें इसके नंबर्स क्या होते हैं, मेन क्या क्या फैक्ट्स है। हर 44 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है और ये 2000 की अपेक्षा 241% बढ़ गया है, और ये लड़कों में 4 गुना अधिक देखने को मिलता है इन कंपेरिजन टू लड़कियों के, और 40% ऑटिस्टिक बच्चे जो नॉन वर्बल होते हैं यानी नहीं बोलते हैं, 44% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल यानी IQ लेवल या तो एवरेज होता है या अबव एवरेज होता है, जबकि 31% बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी उनका IQ लेवल कम होता है, और 36.5% बच्चे पेरेंट्स जो है ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यूज करते हैं अपने बच्चे के लिए, और वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस वीक जो है 26 मार्च से 2 अप्रैल तक मनाया जाता है। तो ये एक बेसिक फैक्ट्स है कुछ जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। दूसरा जो है कि इंडियन सिनेरियो क्या है, इंडिया में क्या चैलेंजेज है। हमारे पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, इसलिए एक लिमिटेड डेटा का एक चैलेंज है। दूसरा, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, खासतौर से आर्टिस्टिक बच्चे जो रूरल एरियाज में हैं उनके लिए डॉक्टर या थेरेपिस्ट मिलना एक बड़ा चैलेंज होता है, और ये एस्टिमेटेड ऑन एन एवरेज 1-2% लोगों में होता है इंडिया में। और चैलेंज सबसे बड़ी बात है कि जो है भी डायग्नोसिस की चैलेंज एक सबसे बड़ी चैलेंज है, और इसका कारण ये है कि अवेयरनेस की कमी, यानी लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा नहीं बोलता है, हाइपर एक्टिव है, तो हमें हमारे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि इसके पापा भी देर से बोले थे इसलिए हमारा बच्चा ये भी देर से बोल लेगा। अब इसके सिम्टम्स क्या है, ये सिम्टम्स 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बिहेवियरल पैटर्न से रिलेटेड, प्ले एंड इमेजिनेशन से रिलेटेड। सोशल कम्युनिकेशन में बच्चा आई कॉन्टेक्ट नहीं देता है और दूसरे बच्चों से दोस्ती नहीं करता है, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, अपना कुछ अचीव करेगा उसको मतलब अपने माता पिता से शेयर नहीं करेगा, कुछ किसी खेल में जीता या कोई चीज अचीव किया तो उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि अपनी अचीवमेंट्स को किसी से शेयर करें। उसी तरह कम्युनिकेशन में कि लिमिटेड स्पीच होता है, हमने बताया कि 40% बच्चे जो नॉन वर्बल होते हैं। उसी तरह रिपीटेटिव बिहेवियर एंड इकोलेरिया, रिपीटेटिव लैंग्वेज यानी एक ही बात को रिपीट करेगा, साथ ही उसको कई बार चीजों को समझने में, लोगों के इमोशंस को समझने में प्रॉब्लम आती है। बिहेवियरल इशूज यानी बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, हैंड फ्लैपिंग करेगा या टॉयज को एक डिफरेंट सीक्वेंस में लगाएगा, और इमेजिनेटिव प्ले जैसे कि लिमिटेड किसी चीज इमेजिनेटिव प्ले यानी कि बच्चे किसी गुड़िया को खाना खिलाना या इस तरह की इमेजिनेटिव प्ले नहीं करता है, जबकि बाकी बच्चे ऐसा करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जो आर्टिस्ट, जैसे पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारे बच्चे में आप बताइए ऑटिज्म के लक्षण हैं या नहीं, तो इस चेकलिस्ट के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपके बच्चे में कितने लक्षण हैं जो ऑटिज्म से मिलते जुलते हैं। ये ऑटिज्म की डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा एक ऑन एन एवरेज आइडिया लग जाएगा कि आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है और आपको कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। अब उसके बाद अगला सवाल होता है, जो ही डायग्नोसिस होती है, कि हमारे बच्चे को माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब डायग्नोसिस हो गई तो कौन सा लेवल है। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिफाइन करना एक लंबा टूल होता है जिसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं और डायग्नोस करते हैं, लेकिन एक जनरल जो कंसेप्ट है कि बच्चे को अगर थोड़ी बहुत सपोर्ट की जरूरत है तो इसका मतलब कि माइल्ड है। बच्चे को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आपके पेरेंट्स की हेल्प की ज्यादा जरूरत है तो मॉडरेट है,
और बच्चा पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है, कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल नहीं बोलता, एक वर्ड नहीं बोलता है या बहुत ही लिमिटेड बोलता है, तो सीवियर है। अगर थोड़ा बहुत बोलता है तो मॉडरेट है, लेकिन अगर कंप्लीट सेंटेंस बोल लेता है और कुछ ही चीजों में उसे दिक्कत आती है, जैसे कुछ प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो फिर उसे मॉडरेट माइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। अब मिथ्स एंड रियलिटीज क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि ऑटिज्म वाले सारे बच्चों में एक स्पेशल एबिलिटीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों में होती है जरूर स्पेशल एबिलिटीज, जैसे मैथ में, म्यूजिक में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये सभी बच्चों में नहीं होती है। इसी तरह से ऑटिज्म, कुछ लोग सोचते हैं कि हमने प्रॉपर केयर नहीं किया बैड पेरेंटिंग के कारण, या हमने MMR का वैक्सीन लगवा दिया या ये वैक्सीन लगवा दिया इसलिए हुआ, लेकिन अभी ऐसा कोई एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है, इसका कॉज अभी नॉट क्लियर नहीं है। तो कॉज क्लियर नहीं है इसलिए हम इसमें बैड पेरेंटिंग या वैक्सीन को दोषी नहीं मान सकते। इसके कारण में जेनेटिक हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल हो सकता है या इन्वायरमेंटल हो सकता है। अब मिथ्स क्या है कि ऑटिज्म का इलाज, लोग आते ही पूछते हैं कि हमारा बच्चा कितने दिन में ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा ना, दूसरे बच्चों की तरह नहीं, ठीक है। तो पहली बात कि नॉर्मल है एबनॉर्मल, आपका बच्चा एबनॉर्मल नहीं है, ये न्यूरोडाइवर्सिटी है, ठीक है, अभी हम आगे उसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल की बात नहीं है, और ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जो जिसका कोई इलाज नहीं है। इसको बच्चे के प्रॉपर स्ट्रेटजीज अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अर्ली इंटरवेंशन की क्यों जरूरत पड़ी, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें और कैसे डायग्नोस करें, ये इशू होता है। तो अगर डायग्नोसिस हो गया तो सबसे पहले तो उसका अर्ली इंटरवेंशन किया जाना जरूरी है। कि अर्ली इंटरवेंशन से क्या बेनिफिट होगा कि बच्चे का जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, ऑटिज्म एक प्रॉब्लम है, उसके साथ और भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम आएंगे, हाइपर एक्टिविटी है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्लीप इश्यूज है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हम मेडिकली या अदर वेज में मैनेज कर सकते हैं, तो उन इश्यूज को टाइमली सॉल्व किया जा सकता है। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन से। सोशल कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं, बिहेवियरल चैलेंजेस को कम कर सकते हैं। कुछ अब अगला सवाल है कि डायग्नोसिस इसकी होती कैसे है, तो ये एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें स्क्रीनिंग होता है, इनिशियल इवैल्यूएशन होता है, डेवलपमेंटल रूटीन डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग के साथ साथ पैरेंटल कंसर्न देखा जाता है, मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है। इसका डायग्नोसिस में मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जिसमें डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक असेसमेंट भी किया जाता है जिसमें साइकेट्रिक में DSM-5 क्राइटेरिया होता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल 5 क्राइटेरिया, जिसमें जिसके आधार पर ऑटिज्म की डायग्नोसिस होती है। अब इसमें रूल आउट किया जाता है कि अदर कंडीशंस तो नहीं है, और फिर फीडबैक पेरेंट्स से पूछा जाता है, और फिर अपना क्लिनिशियन अपना फीडबैक देते हैं। उसके बाद से प्रॉपर एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनता है, और फिर उसकी प्रॉपर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। फिर अब इसमें चैप्टर 4 में जो हमने डिस्कस किया है कि अब क्या क्या डायग्नोसिस हो गई तो अब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और उनके सक्सेस रेट क्या है। तो अब ये तो सक्सेस रेट यहाँ डिस्कस करना संभव नहीं है, लेकिन शॉर्ट में मैं सारी चीजों को बता देता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो काफी साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि ये भी है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो है, अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो ए बी ए आपके लिए इफेक्टिव है। किस किस चीजों में? एकेडमिक स्किल इंप्रूव करने में, बिहेवियरल इश्यूज में, एडेप्टिव स्किल में, लैंग्वेज प्रॉब्लम में, प्ले एंड सोशल स्किल में, मोटर स्किल में और कॉग्निशन में, इन सारी चीजों में ए बी ए आपका हेल्प करेगा, इसलिए ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। अगला है कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, सभी लोग जानते हैं कि बच्चे की स्पीच के अगर नहीं है तो स्पीच थेरेपी तो की आवश्यकता तो होगी। साथ ही सोशल स्किल ट्रेनिंग, कि बच्चा अगर आई कांटेक्ट नहीं करता है तो इसके लिए कन्वर्सेशन, बच्चे से आप खूब बातें करिए, बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने के लिए प्रमोट करिए, ताकि प्रॉपर जो है उसका सोशलाइजेशन हो सके, और आई कांटेक्ट को इम्प्रूव करना भी आवश्यक है। अगला है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या है कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी एंड फाइन एंड ग्रास मोटर स्किल डेवलपमेंट, यानी अगर कोई सेंसरी इश्यूज हैं तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की जरूरत होगी। अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, हाइपो सेंसिटिव है तो, और अगर बच्चे को ग्रिपिंग में प्रॉब्लम है, फाइन मोटर ग्रास मोटर में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए, या ADL के
एक्टिविटी आप डेली लिविंग इश्यूज में प्रॉब्लम है तो वहाँ भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करेगा। डेवलपमेंटल एंड रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच यानी RDI या फ्लो टाइम, बच्चे के साथ आपको क्या करना है कि फर्स्ट पे बच्चे के साथ बैठ जाइए, बच्चा खेल रहा है उसके खेल में ही आप इन्वॉल्व हो जाइए और धीरे धीरे आप जो उसे कराना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं उसको उसमें इंट्रोड्यूस करिए ताकि बच्चा आपके साथ घुल मिल करके, और फिर प्ले बेस्ड अप्रोच इसको बोलते हैं कि प्ले बेस्ड अप्रोच से सोशल इमोशनल डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। अगला है एजुकेशनल इंटरवेंशन। एजुकेशनल इंटरवेंशन में टीच एंड ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रेन, इसमें विजुअल सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट है कि मेडिकेशंस, लोग कहते हैं कि हमें बच्चे को मेडिसिन नहीं देना, अगर बच्चे को आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देना ही होगा, बच्चे को एंजाइटी इश्यूज है, हाइपर एक्टिव है, एग्रेशन है, उसके लिए आपको मेडिकेशन देना ही पड़ेगा। इन चीजों में मतलब अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो वहां पे मेडिकेशन आपका काम करेगा, या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वहां पे, ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पे आप मेडिसिन दे सकते हैं। अब अगला है पेरेंट मेडिएटेड इंटरवेंशन। पेरेंट मेडिएटेड इंटरवेंशन पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, पेरेंट्स की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। एक स्टडी से प्रूवन फैक्ट है कि अगर बच्चे को पेरेंट्स के द्वारा घर पर ही उसके फेवरेबल एटमॉस्फेयर में थेरेपी दी जाती है तो बच्चे को स्किल की प्रैक्टिस करने की 20 गुना अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बच्चे को का रिजल्ट भी 5 गुना अधिक इंप्रूव होगा। तो इसलिए पेरेंट्स ट्रेनिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमने थेरेपी सेंटर अच्छा से अच्छा थेरेपी सेंटर ले जाकर तो वहाँ थेरेपी करा देंगे और हमारे बच्चे में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन बच्चे में इंप्रूवमेंट थेरेपी से नहीं आएगी, थेरेपी के रिपीटेशन से आएगी, और रिपीटेशन तभी हो सकता है जब आप उसको घर पे करेंगे, या और घर पे आप तभी कर पाएंगे जब आपको खुद पता होगा कि क्या करना है, उसके लिए पेरेंट्स ट्रेनिंग का रोल है। ठीक है, अब उसके बाद से अर्ली इंटरवेंशन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट होता है, फैमिली सेंटर अप्रोच होता है, और इंडिविजुअलाइज सर्विसेज कि बच्चे की नीड के हिसाब से सर्विस प्लान की जाती है, और इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम काम करती है, यानी कंप्लीट टीम अभी हमने डिस्कस किया वो इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब अगला इशू आता है कि जो पहला प्रॉब्लम जिसके लिए पेरेंट्स आते हैं वो है कि बच्चा हमारा बोलता नहीं है, और अगला इशू कि बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव, एक जगह टिक करके नहीं बैठता, दौड़ता भागता रहता है, पूरे टाइम परेशान करता है, तो यानी हाइपर एक्टिव है। तो इसको कैसे मैनेज करें, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक रूटीन एंड स्ट्रक्चर डेवलप करना है, और एक क्रिएट काम एनवायरनमेंट, एक ऐसा जगह जहाँ पे बच्चा रिलैक्स होकर के बैठ सके, जहाँ सेंसरी फ्रेंडली टॉयज हो, जहाँ पे डिम लाइट हो और स्लो म्यूजिक हो, ऐसा जगह एक आपको अपने बच्चे के लिए क्रिएट करना ताकि बच्चा जब परेशान हो तो वहां जाकर रिलैक्स हो सके। उसके बाद से बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी कराना है। फिजिकल एक्टिविटी कैसे, यानी बच्चा दौड़ता भागता है तो उसकी इसका मतलब एनर्जी लेवल अधिक है, उसको अब क्या करना है, लोग कहते हैं कि हमारा तो बच्चा दौड़ता भागता रहता है वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी करता रहता है, लेकिन आपको परपजली फिजिकल एक्टिविटी करानी है, उस तरह से नहीं कि वो सोफे पे और कुर्सी पे और टेबल पे कूदता है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आपको स्पेशली जिम बॉल पे रनिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग कुछ भी कराना है, लेकिन वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में फिजिकल एक्टिविटी कराना है ताकि बच्चे का एनर्जी ड्रेन हो सके। उसके बाद से बच्चा अगर प्रॉपर बिहेवियर करता है तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना है, चाहे उसका फेवरेट टॉय देना है या उसका फेवरेट डिश देना है या फिर उसको अप्रिशिएट करना है, और सेल्फ रेगुलेशन बच्चे को सिखाना है कि अपने आप को मैनेज कैसे करना है, और क्लियर ट्रांजिशन कि अगर एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा रहे हैं तो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दें। अब अगला इशू आता है कि मेल्टडाउन को कैसे हैंडल करें। मेल्टडाउन है क्या, बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करने लगा, बाल मुड़ने लगा, एक जमीन पे लेट गया, तो अब आप क्या करें, आप उस समय होपलेस हो जाते हैं। बच्चा मेल्टडाउन इशूज आते क्यों है, या तो बच्चा सेंसरी ओवरलोड से परेशान है, या फिर फ्रस्ट्रेशन यानी जो चीजें वो कहना चाहता है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है, या सेंसरी ओवरलोड यानी बच्चे को ब्राइट लाइट से अगर प्रॉब्लम है, या तेज आवाज से प्रॉब्लम है, आप डीजे वाली जगह पे पार्टी में ले गए वहां पे बच्चा परेशान होगा, तो सेंसरी ओवरलोड की वजह से या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से, दो वजह से बच्चा मेल्टडाउन हो सकता है। अब इसमें करना क्या है, आपको खुद शांत रहना है और बच्चे की सेफ्टी भी इंश्योर करनी है, बच्चे को एक ऐसा स्पेस दे देना है जहाँ पे प्रॉपरली रिलैक्स हो सके, अगर मान लीजिए कि कहीं पार्टी में गए हैं तो ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे शोर कम हो, ज्यादा ब्राइट लाइट ना हो, और उसको
कामिंग टेक्निक यूज करनी है। कामिंग टेक्निक यानी तेज तेज सांस लो या इस तरह की कुछ एक्टिविटीज आप उसको ट्रेन करेंगे और प्रॉपरली इसको कम्युनिकेट करेंगे। अब अगला इशूज होता है कि हमारा बच्चा क्या नॉर्मल स्कूल जाएगा, पेरेंट्स का ये सवाल होता है, और कैसे जाएगा, तो उसके लिए क्या क्या आपको करना होगा वो उसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फाइव में, यानी चैप्टर फाइव जो बुक का है उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे असेसमेंट एंड इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान आपको पहले तो बनाना होगा, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, इसलिए वन साइज फिट ऑल अप्रोच काम नहीं करेगा, यानी एक बच्चे का प्लान लेकर के आप दूसरे बच्चे पे नहीं उसको पढ़ा सकते, इसलिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान जरूरी है। अब इसके लिए क्या है, आपको स्कूल के टच में रहना होगा, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बच्चे की नीड एंड चैलेंजेस के हिसाब से बनाना होगा, और स्कूल स्टाफ से रेगुलरली कम्युनिकेट करना होगा, फिर रेगुलरली आपको स्कूल विजिट भी करना होगा ताकि टीचर्स से टच में रहें, अपने चैलेंजेस बताएं और टीचर्स भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहें, और स्कूल स्टाफ प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए उसके लिए, सोशल स्किल सपोर्ट, बच्चे को सोशल स्किल सपोर्ट भी स्कूल में मिलना चाहिए, बिहेवियरल सपोर्ट प्लान भी बच्चे का हो ताकि प्रॉपरली बच्चा आगे उसको कोई बिहेवियरल इशूज है उसको मैनेज किया जा सके, साथ ही स्पीच एंड लैंग्वेज सपोर्ट भी हो, जहाँ पे बच्चा स्कूलिंग के लिए जा रहा है नॉर्मल स्कूल के लिए वहाँ पे स्पीच एंड लैंग्वेज सपोर्ट इन द सेंस की पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम या साइन लैंग्वेज या विजुअल्स इस तरह की सिस्टम्स भी यूज किया जाए ताकि बच्चे को हम जो पढ़ाना चाहते हैं सिखाना चाहते हैं उसको प्रॉपरली वो समझ सके, तो स्पीच एंड लैंग्वेज सपोर्ट भी हो, सेंसरी सपोर्ट यानी ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत तेज आवाज आ रही हो या कोई बहुत बच्चे शोर कर रहे हो तो वहाँ पे बच्चा अनकंफर्टेबल रहेगा, तो सेंसरी सपोर्ट भी उसे प्रॉपर मिलना चाहिए। और उसके बाद से ट्रांजिशन प्लानिंग, जैसे आप स्पेशल स्कूल से नॉर्मल स्कूल की ओर ले जा रहे हैं तो उसके ट्रांजिशन की प्रॉपरली प्लानिंग करनी होगी, और उसके बाद से रेगुलर कम्युनिकेशन, बच्चे को रेगुलरली कम्युनिकेट करना होगा कि अब जैसे नॉर्मल स्कूल में ले चल रहे हैं तो उसको बच्चे को हर स्टेप पे एक्सप्लेन करना होगा, समझाना होगा, और उस बच्चे के चैलेंजेस को हमें सपोर्ट करना होगा, उसके चैलेंजेस को समझते हुए हमें डिसीजन लेना होगा, तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको आपके बच्चे को नॉर्मल स्कूल ले जाने में हेल्प करेंगे, जब भी आपको अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल भेजना है तो इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होगा। अब अगला इशू होता है, पेरेंट्स खासतौर से मदर्स पूछती हैं कि हम बच्चे को खाने में क्या खिलाएं क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, ये बड़ा इशू रहता है, तो इसमें हमने चैप्टर सिक्स में इसीलिए डाइटरी एडवाइस में डिस्कस किया है कि बच्चे को फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीन प्रोटीन्स होल ग्रेन्स ये सारी चीजें दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट रिच डाइट देना है। अगला है प्रोटीन सोर्सेज प्रॉपरली मिलने चाहिए, चाहे बीन मीट्स हो गया, पोल्ट्री फिश एग्स, ये सारी चीजें प्रॉपरली मिले ताकि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके, और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बच्चे को प्रॉपर मिलना चाहिए, चाहे वो फ्लैक्स सीड से मिले, चिया सीड से मिले, वॉलनट से मिले, लेकिन ये ओमेगा 3 जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, एसेंशियल है, इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट भी होना चाहिए। फाइबर रिच डाइट, ये आपके बच्चे के ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा और हाइपर एक्टिविटी को बढ़ने से रोकेगा, इसलिए फाइबर रिच डाइट भी का भी ध्यान रखना होगा। बैलेंस्ड मील हमेशा बैलेंस होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और हेल्दी फैट्स में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अब डाइट के लिए अगर आपको कस्टमाइज प्लान के तो ये आपके प्रॉपर डाइटिशियन ही बता पाएगी कि कैसे आपके बच्चे की नीड एंड बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये तो एक जनरल कंसिडरेशन होगा। अब अगला है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में आपको क्या करना है कि बच्चे को प्रॉपरली एक रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर वाटर इंटेक के लिए प्रमोट करें, लेकिन शुगरी बीवरेज नहीं देना, यानी मीठी जैसे कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीजें अवॉइड करनी है जिसमें कि बहुत ज्यादा शुगर होता है। फूड सेंसिटिविटी का भी बच्चे को ध्यान रखना है कि बच्चा अगर किसी फूड से एलर्जिक है या सेंसिटिव है तो वो फूड अवॉइड करना होगा। इसके अलावा सप्लीमेंट्स, अगर बच्चे को विटामिन विटामिन डी, B12, ओमेगा 3 की कमी है तो सप्लीमेंट भी देना होगा, और एक फिक्स मील टाइम, खाने का समय भी फिक्स होना चाहिए कि बच्चा एक निश्चित समय पर खाए निश्चित समय पर सोए, ये बहुत ही जरूरी है। अब अगला है कि क्या क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं ऑटिज्म के ऑटिस्टिक चाइल्ड के केयर में, तो इसका भी हमने डिटेल में उसमें दिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन ऐप्स, जैसे कि लीलू एक कम्युनिकेशन ऐप है जो आपके बच्चे के कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, ये टोटली फ्री है, लीलू एसी ये फ्री है, लेकिन इसके अलावा ऑटिज्म थेरेपी विद मीटा यानी मेंटल इमेजरी थेरेपी फॉर ऑटिज्म, ये भी आप यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए।
इसके अलावा सोशल स्किल एंड बिहेवियर मैनेजमेंट एप्स हैं जिसमें ऑटिज्म कोर स्किल है, साथ ही विजुअल शेड्यूल एंड रूटीन एप्स हैं, फर्स्ट देन विजुअल शेड्यूल है, एजुकेशनल ऐप है जैसे ऑटिज्म लर्निंग गेम्स, सेंसरी एप्स हैं जैसे स्पेक्ट्रम एनालाइजर, इस तरह से असिस्टिव टेक्नोलॉजी वॉइस ड्रीम रीडर, सेफ्टी एंड इमरजेंसी एप्स जैसे एंजल स्टोन एंजल सेंस, कम्युनिटी सपोर्ट एप्स जैसे ब्रिजेज कनेक्टिंग लाइव्स, टेली थेरेपी एप्स हैं थेरेपिस्ट फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल नीड्स के लिए, फिर पैरेंटल सपोर्ट एप्स जैसे ऑटिज्म पैरेंटिंग मैगजीन है, लाइफ स्किल एप्स जैसे चॉइस वर्क्स है, सोशल स्टोरी ऐप जैसे सोशल स्टोरी क्रिएटर एंड लाइब्रेरी है, टाइम मैनेजमेंट के लिए टास्क टाइमर है, विजुअल सपोर्ट ऐप के लिए ऑटिज्म आई हेल्प साउंड है, इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए टोका बोका ऐप है। अब बिहेवियरल चेंज टूल बॉक्स, किन किन टूल्स की हमें जरूरत होगी, अपने बच्चे के ऑटिस्टिक बच्चे के केयर के लिए किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है, अब इसके बारे में हमने डिटेल में बुक में बताया, तो उन चीजों को हम यहाँ पे भी इनुमरेट कर देंगे ताकि आप उससे बेनिफिट ले सकें। आपके बच्चे के लिए तो विजुअल शेड्यूल की आवश्यकता होगी, दूसरा सोशल स्टोरीज चाहिए, PECS यानी पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, सेंसरी रेगुलेशन के लिए सेंसरी ब्रेक्स चाहिए, सेंसरी डाइट चाहिए, फिजेट टूल्स चाहिए और कामिंग सेंसरी स्पेस चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि प्रॉपर घर में स्पेस बनाइए जहाँ पे बच्चा अपने आप को काम एंड कूल कर सके। फिर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं उसका आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, वो चाहे वो टोकन सिस्टम हो या बिहेवियर चार्ट हो या प्रेज एंड इनकरेजमेंट हो। उसी तरह से सोशल स्किल ट्रेनिंग में एक तो कंसिस्टेंट रूटीन रखना है, क्लियर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, सोशल स्किल ग्रुप्स रोल प्लेइंग पीयर मॉडलिंग की हेल्प लेंगे, इमोशनल रेगुलेशन के लिए इमोशन थर्मामीटर या कोपिंग स्ट्रेटजी एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करेंगे, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के लिए पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कोलेबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाएंगे। अब अगला इश्यूज आता है कि और क्या क्या रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है, तो हमने बताया कि अर्ली इंटरवेंशन एजुकेशनल रिसोर्सेज ये सब चीजें तो जानती हैं। जो नवा पॉइंट है स्पाइट केयर सर्विसेज, इस पर हम बात करेंगे कि यूजुअली ऑटिस्टिक चाइल्ड केयर एक बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब है, तो ऐसे में रेस्पाइट केयर सर्विसेज आपकी हेल्प कर सकता है, यानी कुछ देर के लिए आप पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो दूसरे लोग होते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन हेल्प करते हैं कि आपके बच्चे की केयर प्रॉपर वे में करेंगे ताकि आप थोड़े देर रिलैक्स हो सकें, क्योंकि लगातार 24 घंटे सातों दिन कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता और ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि बाकी बच्चे तो थोड़े देर सो गए थोड़ी देर खेलने लगे आप रिलैक्स हो गए, लेकिन आप ऑटिस्टिक बच्चे में ऐसा नहीं है, आपको हर क्षण अपनी आंखें बच्चे पे गड़ाए रखनी है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे उसको कुछ हार्म हो जाए, तो इसलिए ये एक चैलेंजिंग काम है। तो रेस्पाइट केयर सर्विसेज के बारे में बताएंगे, बाकी तो चीजें आप जानते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद से क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए आपके बच्चे की केयर के लिए, फिजेट टॉयज चाहिए, वेटेड ब्लैंकेट चाहिए, कम्युनिकेशन बोर्ड चाहिए, स्पीच जेनरेटिंग डिवाइसेज, विजुअल सपोर्ट, विजुअल शेड्यूल, सोशल स्टोरी, स्पेशलाइज्ड चेयर और कुशन्स चाहिए, थेरेपी में क्या क्या चाहिए, स्विंग ट्रेम्पोलिन्स बैलेंस बोर्ड और डेस्क चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट में चाइल्ड प्रूफिंग मटेरियल चाहिए, एजुकेशनल टूल्स में एजुकेशनल ऐप्स चाहिए, एसी डिवाइसेस में एसी ऐप्स एंड एसी सॉफ्टवेयर चाहिए, हेडफोन्स और नॉइज कैंसलिंग ईयर प्रोटेक्शन में के सिस्टम चाहिए ताकि बच्चे को अगर कोई सेंसरी इशूज है तो उसको मैनेज किया जा सके, एडेप्टिव अटेंशन एंड ग्रिप एड्स, बच्चे को अगर फाइन मोटर या ग्रास मोटर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए एड्स हेल्प चाहिए। अब अगला इशूज है कि ट्रांजिशन को कैसे मैनेज करें, और जैसे एक घर से दूसरे घर ले जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह बच्चे को ले जा रहे हैं तो बच्चा परेशान होने लगता है, तो उसको मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। बच्चे को सबसे पहले तो एक्सप्लेन करिए, अगर आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल ले जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे घर से किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जा रहे हैं, तो बच्चे को प्रॉपरली टाइमली एक्सप्लेन कर दीजिए कि हम लोग यहाँ चलेंगे, इतने दिन रहेंगे, ताकि बच्चा जो है वो पहले ही से अवेयर रहे और बच्चा परेशान ना हो। तो ट्रांजिशन को किसी भी तरह का हो उसको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करना है। अगला इशूज है कि हमारा बच्चा क्या सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएगा, पेरेंट्स आते ही पूछते हैं, अगला जब उन्हें पता चल जाता है कि भैया ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है तो उसमें ये कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा क्या अपने पैर पर खड़ा हो पाएगा, क्या इसकी शादी हो पाएगी, क्या इसकी इसके जॉब लग पाएंगे, ये सारे बड़े सवाल उनके होते हैं। तो उन्हीं सवालों को देखते हुए वो चीजें तो हमने डिटेल में उसमें बुक में बताया, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि क्या करें जो आपका बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। जैसे अभी हमने बताया कि बच्चा कैसे नॉर्मल स्कूल जाएगा, उसमें क्या क्या करना होगा, उसी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए क्या क्या आपको करना होगा। एक तो डेली लिविंग स्किल,
आपको डेवलप करिए, बच्चे को हैंड वॉशिंग, ब्रशिंग, कम्बिंग, ड्रेसिंग, ये सारी चीजें सिखा दीजिए ताकि बच्चा डेली लिविंग स्किल्स सीख जाए। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चा अगला जो कम्युनिकेशन स्किल है, यहाँ पे लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन स्किल मतलब बोलना, कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट है बोलना, पूरा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। क्योंकि बच्चा अगर भले ही बोलता नहीं है, वर्बल पे काम करते रहिए, स्पीच थेरेपी कराते रहिए, जो करते हैं कराते रहिए, लेकिन साथ साथ बच्चे को अदर एस्पेक्ट भी सिखाइए, कम्युनिकेट करना सिखाइए, चाहे वो पिक्चर एक्शन कम्युनिकेशन सिस्टम से हो या फ्लैश कार्ड से हो या साइन लैंग्वेज से हो। यानी आप उसको बच्चे को, अगर बच्चे को भूख लगी है तो उसको आप फ्लैश कार्ड दीजिए कि ये फ्लैश खाने वाला फ्लैश कार्ड दिखाओ, हम तुम्हें खाना दे देंगे, ठीक है। अगर प्यास लगी है पानी वाला फ्लैश कार्ड दिखाओ। अगर बच्चा बोल लेता है अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि आप उस पर काम नहीं करिए, लेकिन अगर नहीं बोल पा रहा है तो एटलीस्ट उसे कम्युनिकेट करना जरूर सिखाइए, कि चाहे वो इशारे से बताए या फिर फ्लैश कार्ड से बताए। अगला है पर्सनल केयर एंड हाइजीन, कि प्रॉपर उसे हैंड वॉशिंग, कम्बिंग, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सिंपल कुकिंग स्किल भी आनी चाहिए कि कभी जरूरत पड़ने पर सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो थोड़ा बहुत खाना बनाना भी सीख सके इन फ्यूचर। और मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, शॉपिंग स्किल आनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन स्किल आनी चाहिए, एक बच्चा कहीं जा रहा है तो कैसे बस पकड़ना है, कैसे ट्रेन पकड़ना है, ये सारी चीज़ें धीरे 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 जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उस समय आपको सिखाना होगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे करना है, दूसरे लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे सॉरी, थैंक यू, प्लीज, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें सिखानी होगी। फिर ग्रेजुअल इंडिपेंडेंस, बच्चे को धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। कुछ लोग अभी बैठे बैठे सोच रहे होंगे हमारा बच्चा तो बोलता भी नहीं है, पूरी तरह से हम पे डिपेंडेंट है, हम ये हमारे लिए ये तो बहुत बड़ी दूर की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। बी डोंट बी होपलेस, कभी भी आप होपलेस उम्मीद बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, बच्चे में धीरे 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 चीज़ें इंप्रूव होगी, और सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते चलिए स्टेप बाई स्टेप, धीरे धीरे आपका बच्चा भी इम्प्रूव होगा। अब अगला चैप्टर आता है, चैप्टर 8 में पहुंच गए हम लोग, जो कि स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस से रिलेटेड है, कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, चैलेंजेस क्या है। अभी हमने बताया कि सावंत स्किल, शुरू में बताया था सावंत स्किल में स्पेशल एबिलिटी, जैसे ऑटिस्टिक बच्चों में कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव होता है, हर चीज को एक अलग एंगल से देखेंगे, इंटेंस फोकस एंड स्पेशल इंटरेस्ट होता है, एक्सेप्शनल मेमोरी होता है कि उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, किसी भी चीज को डिटेल की डिटेलिंग पे फोकस करते हैं, और क्रिएटिविटी उनमें बहुत होती है, ओरिजिनलिटी पे फोकस करते हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। वहीं चैलेंजेज आप सभी लोग जानते हैं, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, सेंसरी रूटीन, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, ये सारे चैलेंजेज हैं। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, क्योंकि अब तक सभी लोग, सभी पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे की 50 कमियां बता देंगे, लेकिन शायद जब हम पूछते हैं कि बच्चे की आपने कोई एक अच्छाई बताई तो शायद वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चे में कुछ अच्छाई भी है। इसलिए इन चीजों पे भी ध्यान देना है, बच्चे के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। फोकस्ड होता है, गुड रिकॉल ऑफ इवेंट्स, रिटेन फैक्ट्स, विजुअल लर्नर, की चीजों को इमेज के फॉर्म में। अच्छा, एक चीज जरूर बता दूं कि ये आर्टिस्टिक बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, इसलिए हमेशा आप बच्चे को इमेज के फॉर्म में सिखाने की कोशिश करिए, बजाय इसके कि बुक पढ़ा करके सिखाने के बजाय इमेज के फॉर्म में सिखाइए। ये बच्चे बहुत ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, इन चीजों, ये इम्प्लॉयर के लिए बड़ा हेल्पफुल है, कि आर्टिस्टिक बच्चे इम्प्लॉयर के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ऑनेस्ट और लॉयल होते हैं। स्टेप बाय स्टेप थॉट प्रोसेस होता है इनका, अटेंस किसी भी चीज़ के डिटेल पे फोकस करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उस पर भी अपने बच्चे की पॉजिटिव चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। अब चूँकि टाइम कम है इसलिए हमें थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जल्दी से करते हैं। कम्युनिकेशन चैलेंजेज में सेंसरी डिस्ट्रैक्शन को कम करना होगा, विजुअल सपोर्ट एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन पे फोकस करना होगा, विजुअल शेड्यूल बनाना होगा, सोशल स्टोरीज यूज करिए बच्चे के कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए, एएसी डिवाइसेज यूज करिए, सोशल स्किल ट्रेनिंग दीजिए, लिवरेजिंग स्पेशल इंटरेस्ट है, सपोर्टिंग सोशल स्किल्स एंड इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ आप हम थोड़ा तेज चलेंगे। एएसी डिवाइसेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पिक्चर एक्सचेंज, कम्युनिकेशन बोर्ड, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, विजुअल सपोर्ट, चॉइस बोर्ड एंड विजुअलाइज अप्रोच, सेंसरी सेंसिटिविटीज की भी बात हम कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं रुकेंगे, कि ऑडिटरी सेंसिटिविटी हो सकती है, विजुअल हो सकती है, यानी सुनने की, देखने की, टच करने की, ऑल्फेक्टरी, जेस्चरी, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फिर सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ये आपके काम की चीज़ है कि कैसे हम सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट बताएं, यानी बच्चे के लिए एक डिम लाइट होनी चाहिए, जहाँ पे कम नॉइज होना चाहिए, और सॉफ्ट फर्निशिंग होना चाहिए, विजुअल सपोर्ट होना चाहिए, सेंसरी जोन एक प्रॉपर बनाइए, कंफर्टेबल सीटिंग होना चाहिए, पर्सनलाइज वर्क स्टेशन हो। अब
अगला इशू है कि ओवर स्टिमुलेशन को कैसे मैनेज करें। बच्चा कई बार ओवर स्टिमुलेट हो जाता है तो हम उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे, उसके लिए पर्सनलाइज्ड टूलकिट होना चाहिए। अभी हमने बताया भी कि नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स जरूरी है, विजुअल सपोर्ट जरूरी है, सेंसरी ब्रेक्स चाहिए, सॉरी सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक भी बच्चे को सिखाइए, और जैसे डीप प्रेशर या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सोशल सपोर्ट, बॉडी सिस्टम या पीयर एजुकेशन, यानी उसके हम उम्र बच्चों के साथ बच्चे को घुलने मिलने के लिए प्रमोट करिए ताकि सीख सके। अगला है, अब इन चीज़ों को अब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सोशल स्किल्स हो गया, अब सोशल इंटरेक्शन चैलेंजेस, रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप कैसे डेवलप करें। तो इसमें बच्चे में एम्पैथी को प्रमोट करिए, यानी दूसरे की भावनाओं को समझ सके, कॉमन हॉबीज जो वाले बच्चे हैं उनके साथ घुलने मिलने के लिए कहिए, जो बच्चे की जो एक कॉमन हॉबीज डेवलप कराइए, उसी तरह से सोशल स्किल वर्कशॉप अटेंड कराइए, पीयर एजुकेशन इनिशिएटिव यानी साथ के बच्चों के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे बोलते हैं, कि मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के लिए बच्चे को मोटिवेट करिए ताकि उन बच्चों से भी वो सीख सके। अब एडल्टहुड के लिए ट्रांजिशन के लिए अर्ली प्लानिंग, आईईपी और इस जॉब शेडोइंग, इंटर्नशिप, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज में टेक्नोलॉजी एंड आईटी पे कहाँ कहाँ पे जॉब इन्हें मिल सकती है, आईटी के फील्ड में मिल सकता है, साइंस एंड रिसर्च में जा सकते हैं, आर्ट एंड डिजाइन में, इंजीनियरिंग में, हेल्थ केयर प्रोफेशन में जा सकते हैं, डाटा एनालिसिस में, एनिमल केयर में, राइटिंग एंड एडिटिंग में, एंटरप्रेन्योरशिप है, सेंसरी फ्रेंडली कैरियर, यानी जो अभी हमने बताया कि पेरेंट्स आते हैं तो कहते हैं हमारे बच्चे को जॉब मिल पाएगी या नहीं, उस सवाल का जवाब है। जो भी पेरेंट्स के मैक्सिमम सवाल हैं कोशिश करूंगा कि इसके थ्रू जवाब दे सकें इस पीपीटी के थ्रू। तो ये कि बच्चे को कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, ये ऑप्शन है उन ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। अब अगला है, 11th चैप्टर में आ चुके हैं हम लोग, अब क्या इंडिविजुअल एंड फैमिलीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। कम्युनिकेशन स्ट्रगल होता है, सेंसरी सेंसिटिविटी होती है, पेरेंट्स को स्ट्रेस भी होता है, और फाइनेंशियल कंसिडरेशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है फाइनेंशियल इशू, क्योंकि बोथ पेरेंट्स में से एक को काफ़ी टाइम, खास स्पेशली मदर को काफ़ी टाइम अपना बच्चे की केयर पर देना पड़ता है, कई पेरेंट्स में से मदर को जॉब भी लेफ्ट करनी पड़ती है, तो इसलिए फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी एक बड़ा इशू होता है, फैमिली डायनेमिक्स भी अफेक्ट होता है। लेकिन इसमें आपको परेशान नहीं होना है, छोटे बच्चे की छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना है। और अगला हेल्थ केयर हेल्थ केयर में क्या क्या चैलेंजेज है, एक तो डायग्नोसिस डिले होती है यूजुअली 4 साल पे, कई के बच्चे तो 9 साल और 12 साल पे भी आते हैं डायग्नोसिस के लिए, तो डायग्नोसिस के इश्यूज होता है, स्पेशलाइज सर्विसेज नहीं मिल पाती है, फाइनेंशियल बैरियर ही है, कि एजुकेशनल डिस्पेरिटी भी देखती है, और रिसर्च का भी इशू हो जाता है। अब क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं ये सब आप लोग जानते ही हैं, इसलिए रेस्पाइट केयर सर्विसेज हमने बता ही दिया है, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, पेरेंट्स ट्रेनिंग की बात हो चुकी है, ऑटिज्म सोसाइटीज एंड फाउंडेशंस की बात हो चुकी है, गवर्नमेंट ट्रस्ट, नेशनल ट्रस्ट की बात कर लें, कि लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट होता है, तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल ट्रस्ट बनाया, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस, कि जिससे कि एसटी और दूसरे डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को सपोर्ट मिल सके। अब इसमें इसके अलावा और क्या क्या सर्विसेज हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज हैं, टेली हेल्थ सर्विसेज हैं, टेली थेरेपी सर्विसेज हैं। अब इसमें इस ट्रस्ट के अलावा और ये ट्रस्ट क्या क्या काम करती है और क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट के हैं वो हम बता देंगे, अभी तो नाम ही बता देते हैं, डिटेल बताने के लिए समझ नहीं है। तो समर्थ स्कीम है, भरौदा है, निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, विकास डे केयर है, इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन 80U और 80DD में मिलेगा, ट्रेवल कंसेशन है रेलवे एंड फ्लाइट्स में, एंड होटल डिस्काउंट्स है। उसी तरह से क्या क्या चैलेंजेस पेरेंट्स के हैं, नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी, सोशल आइसोलेशन और बैलेंसिंग डिमांड्स, ये सब चीज़ें आई थिंक अभी डिस्कस करने के लिए समय अलाउ नहीं कर रहा है। और यस, अब आ जाते हैं चैप्टर 12, सेल्फ केयर फॉर पेरेंट्स एंड केयर गिवर। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑटिस्टिक बच्चे के माता पिता बच्चे की केयर में इतना गुमसुम हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी केयर भी भूल जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट पे मैं जोर दूंगा कि होलिस्टिक वेलबिंग पे ध्यान दीजिए, खुद भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने बच्चे की देखभाल कर पाएंगे। इसलिए फिजिकल हेल्थ में रेगुलर एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, इमोशनल में इमोशनल सपोर्ट ले सकते हैं, मेंटल में आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकते हैं, अपना पर्सनल टाइम इंजॉय कर सकते हैं,
और कंटिन्यूअसली सीख सकते हैं। सोशल में सोशल कनेक्शंस मेंटेन करिए, रेस्पाइट केयर सर्विसेज ले सकते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए आपको भी रिलैक्सेशन मिल जाए। प्रैक्टिकल में टाइम मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस की हेल्प ले सकते हैं, एक सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं, सेलिब्रेटिंग पर्सनल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब चैप्टर 13 में क्या क्या असेसमेंट एवरी पेरेंट मस्ट नो, कि हर माता पिता को क्या जानना चाहिए इसमें, कि बच्चे का सबसे पहले तो जब भी आपके बच्चे को लगे कि ऑटिज्म है, सस्पेक्टेड ऑटिज्म है, तो प्री डिफाइंड असेसमेंट प्रोसीजर होना चाहिए। बच्चे को ईसा या कार्स, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल या इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म के द्वारा प्रॉपर एक असेसमेंट होना चाहिए। बच्चे का एक फिक्स रूटीन बनाइए, बच्चे को जो भी ट्रीटमेंट दीजिए वो चेक करिए कि वो साइंटिफिक बेस पे आधारित है कि नहीं। फिर एक स्मार्ट गोल्स बनाइए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड गोल्स होने चाहिए, और प्रोग्रेस को रेगुलरली मेजर करिए। पर्सनल अटेंशन बच्चे पे कितना दिया जाता है ये भी देखिए, सक्सेस रेट जो थेरेपी या ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका क्या है वो भी देखिए। होलिस्टिक होना चाहिए, यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सारे एस्पेक्ट को कवर करना चाहिए। न सिर्फ केवल थेरेपी देना है बल्कि उसके डाइट पे भी ध्यान देना है, उसके इमोशनल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, उसके फिजिकल हेल्थ, तो होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा। डिस्ट्रक्शन फ्री एनवायरमेंट में होना चाहिए, और जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके कॉस्ट को प्रॉपरली ध्यान रखें, क्योंकि एक फाइनेंशियल इशूज बड़ा चैलेंज होता है कि क्योंकि ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक चलेगा, इसलिए आपको कॉस्ट पे और ड्यूरेशन पे प्रॉपरली ध्यान देना होगा। और लोकेशन, क्योंकि अगर बहुत दूर आप लोकेशन पे जाते हैं ट्रीटमेंट या थेरेपी के लिए तो ट्रेवल कॉस्ट और टाइम दोनों ही आपका ज्यादा लगेगा, तो इन चीजों का भी ध्यान रखिए। एक प्रॉपर होम थेरेपी प्लान भी लीजिए कि घर पे क्या क्या हमें कराना है, और खुद भी ट्रेनिंग लीजिए ताकि आप जान सकें कि बच्चे की केयर कैसी करनी है, और होम थेरेपी जो करा रहे हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा इसके से जुड़े हुए क्या और भी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं आपके बच्चे को, और भी ऑटिज्म के अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोई डाइजेस्टिव इशूज है, स्लीप इशूज है, उस पर भी काम करिए, और बच्चे का एक प्रॉपर डाइट प्लान लीजिए। ये प्रॉपर जो है ऑटिज्म के ट्रीटमेंट वाले बच्चे में ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करने चाहिए। बुक में हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं चैप्टर 14, यानी कैसे इंक्लूजन को प्रमोट करना है, सेल्फ एडुकेसी स्किल्स को प्रमोट करना है, विजुलाइज एजुकेशन प्लान होना चाहिए, हेल्थ, लीगल एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, वर्कफोर्स। अब स्पेशल ओलंपिक, इस तरह से ये सारी चीजें करेंगे तो आपका भी बच्चा तुषार नाथ सिंह की तरह से स्पेशल ओलंपिक मेडल विनर भी बन सकता है। अभी स्पेशल ओलंपिक्स क्या है मैं बता दूं कि जैसे ओलंपिक्स होता है उसी तरह से मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स है, जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, और इसकी नेशनल और लोकल लेवल पे भी इसकी यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट इंडिया में स्पेशल ओलंपिक भारत है जो इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स को इंडिया में रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से एक दूसरा बच्चा है जो श्रेय काद्यान, जिसने भी स्पेशल ओलंपिक 2015 में गोल्ड मेडल जीता, तो इसकी भी सक्सेस स्टोरी जो उस बुक में डिटेल में बताई गई है। अब अगला है कि कैसे स्पेशल ओलंपिक्स में आपका बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। थोड़ा सा इसमें हम हाईलाइट कर दें कि सबसे पहले तो आपको स्पेशल ओलंपिक्स क्या है हमने बता दिया, अब चेक करिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे लोकल प्रोग्राम को आपको सर्च आउट करना है, लोकल स्पेशल ओलंपिक ऑफिस को ढूंढना है, फिर उसका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है, वॉलंटियर की अपॉर्चुनिटी है तो आप खुद भी स्पेशल ओलंपिक्स में एज ए वॉलंटियर काम कर सकते हैं, इवेंट्स को उसकी अटेंड करना है, इंक्लूजन एंड रिसर्च रेस्पेक्ट को भी प्रमोट करता है, और इन चीजों से प्रॉपरली इंफॉर्म अपडेट रहना है। और अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं सारी इंफॉर्मेशन, तो इसलिए हमने एक एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसका लिंक आपको सोशल मीडिया हमारे फेसबुक और यूट्यूब की कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, तो आप एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी चीजों से रेगुलरली अपडेट रह सकते हैं। अच्छा, और अपने बच्चे के छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट जरूर करना है। अब स्पेशल ओलंपिक्स करता क्या है, ये केवल आपको स्पोर्ट्स में ही हेल्प नहीं करता है, बल्कि इंक्लूजन में, पर्सनल डेवलपमेंट में, कम्युनिटी बिल्डिंग में, इन सब चीजों में भी हेल्प करता है। अब चैप्टर 15 की ओर आ चुके हैं, चूंकि अब बुक स्पेशल ओलंपिक्स को डेडिकेटेड है, इसलिए हमने स्पेशल ओलंपिक्स पे भी डिटेल में बात किया, और बुक में भी एक चैप्टर हमने, एक पार्ट हमने रखा है कि स्पेशल ओलंपिक्स से रिलेटेड कि क्या क्या है। अच्छा, अब 15 में कैसे पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। पहले ऑटिज्म को एक डेफिसिट, एक कमी के रूप में देखा जाता है, अब एक डाइवर्सिटी, जैसे कि हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह से ये कमी नहीं है,
तो हम कभी भी छोटी जो उंगली छोटी है उसको हम क्या कमी के रूप में नहीं देखते। उसी तरह से यह एक डाइवर्सिटी है ऑटिज्म, एक डेफिसिट नहीं है, कमी नहीं है। उसी तरह से ऑटिज्म वाले बच्चों को अलग थलग रखा जाता था, अब यह इंक्लूजन की बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी, यानी उनको समाज का एक अंग के रूप में देखा जा रहा है, उनको आइसोलेट करने की बात नहीं हो रही है। पहले एक स्टिग्मा के रूप में कि सोशल चैलेंज है, इनके बच्चे अब बोलता नहीं है, ऑटिज्म है, तो उसको स्टिग्मा अब उसकी जगह एक्सेप्टेंस ले रहा है। उसी तरह यूनिफॉर्मिटी की जगह इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है कि हर बच्चा यूनिक होता है इसलिए वो भी बच्चा एक यूनिक है। फिक्सेशन की जगह बच्चे को अप्रिशिएट करने की बात हो रही है कि हमने एक लेवल फिक्स कर दिया कि अरे ये तो ऑटिस्टिक है। ऑटिज्म का लेवल फिक्स करने की जगह हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उसकी चीजों को एक इंक्लूजन में ला करके उसको अप्रिशिएट करना है। उसी तरह से डिस्पेयर, अब ऑटिस्टिक बच्चे के माता पिता एक निराश कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म हो गया, एक डिस्पेयर की जगह होप, एक आपके लिए उम्मीद है। और उसी तरह टोकन इंक्लूजन की जगह ट्रू अंडरस्टैंडिंग, चीजों को प्रॉपरली आपको समझना होगा। और इन सब चीजों में आपका स्पेशल ओलंपिक काफी हेल्प करेगा कि आपके बच्चे को एक पहचान दिलाएगा। इसलिए अगर आपका बच्चा नहीं भी बोलता है तो भी आप स्पेशल ओलंपिक में या इन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। केवल आप इस चीज पे मत फोकस करिए कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता, बच्चा बोलता नहीं है, आप ये देखिए कि बच्चा किस चीज में अच्छा कर रहा है। बच्चा अगर कलरिंग में अच्छा है तो उसको कलरिंग में आगे बढ़ाइए, बच्चा म्यूजिक में अच्छा है तो म्यूजिक में आगे बढ़ाइए। आपने देखा होगा कि अभी वो रियलिटी शो, टीवी रियलिटी शो पे एक 27 साल का बच्चा पहली बार टीवी पे जाकर के अपनी अपनी माँ को कि अपनी माँ के सामने अपना एक्सप्रेशन दिया। तो इसलिए देखिए अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है, आपको उम्मीद बनाए रखनी है क्योंकि जहां चाह है वहां रहा है। अब इनकरेजमेंट एंड इंस्पिरेशन, ऑलरेडी हमने बात कर लिया है कि स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए वर्चुअल ऑटिज्म, कि अगर आपका बच्चा 4 घंटे से अधिक स्क्रीन पर बिताता है तो वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है। और वर्चुअल ऑटिज्म में क्या होता है कि ये चूंकि वर्चुअल ऑटिज्म और ऑटिज्म में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो चूंकि वर्चुअल ऑटिज्म एक्सेस स्क्रीन टाइम 4 घंटे से अधिक बिताने का कारण होता है, जबकि ऑटिज्म का कारण किसी को पता नहीं है। उसी तरह से वर्चुअल ऑटिज्म में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो बच्चा हाइपर एक्टिविटी पहला लक्षण होगा कि बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। दूसरा स्पीच इशू, बिहेवियरल इशू, ये सारी चीजें आने लगती हैं। तो ये इसलिए कोशिश ये करें कि अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम जितना कम हो सके वो कम रखें, क्योंकि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट शुरुआती 3 सालों में ही होता है। तो इन 3 सालों में ब्रेन का डेवलप, उस समय 3 सालों में बच्चे को मोबाइल और टैबलेट दे करके अपना प्यार न जताएं तो अच्छा रहेगा। बच्चे को रियल इंटरेक्शन दें, दादी नानी की परियों की कहानियां सुनाएं, बच्चे को पार्क में ले जाएं, बच्चे को रियल इंटरेक्शन प्रोवाइड कराएं, बजाय इसके कि बच्चे को टीवी मोबाइल और टैबलेट दिखा कर दे करके उसको अपना प्यार दर्शाने के। अच्छा, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जैसा कि आप जानते हैं 2 अप्रैल को मनाया जाता है, उसी तरह से हाई, अब अगला होता है कि ऑटिज्म के टाइप्स क्या हैं। यूजुअली आपने बहुत तरह के एक हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म नाम सुना होगा, अब ये वैसे तो अब सारा DSM-5 में मर्ज हो चुका है, लेकिन जो ट्रेडिशनल टाइप्स हैं उसको भी थोड़ा सा हमने बुक में हाईलाइट कर दिया है कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म क्या होता है। ये बच्चे इनका IQ लेवल अबव एवरेज होता है, यानी ये इंटेलिजेंट होते हैं, इनके चैलेंजेस सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन के बाकी बच्चों की अपेक्षा कम होता है। अब एस्पर्जर सिंड्रोम और ये सारी चीजें अब ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं DSM-5 में, इसलिए कॉजेज की बात हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर चुके हैं। जेनेटिक होते जिसके बारे में अभी क्लियर कुछ मालूम नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, आज अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है। एडल्ट्स में भी डायग्नोसिस हो सकते, क्योंकि बच्चे में अगर नहीं डायग्नोस हुआ तो बाद में डायग्नोसिस होती है और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसकी बात हम कर लें। कुछ फेमस लोग कि आपकी होप के लिए कि देखिए आपको हिम्मत नहीं हारना है, कि कुछ लोगों ने बहुत ऊंचाइयां भी हासिल किया है ऑटिज्म होने के बावजूद भी, जैसे कि टेम्पल ग्रैंडिन एनिमल साइंटिस्ट, ऑथर एंड स्पीकर हैं, डेन एक्योर्ड एक्टर एंड कॉमेडियन है, डेरिल हैनन एक्ट्रेस हैं, स्कॉटिश सिंगर हैं, क्रिस पैकहम नेचुरलिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, ग्रेटा थनबर्ग ये भी हैं, उसके अलावा ये तमाम पर्सनालिटीज हैं, एंथनी हॉपकिंस हैं, जिन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स लिए हैं। तो आपका बच्चा भी उन लोगों की तरह पहुंच सकता है, इसलिए अगर ऑटिज्म है तो आपको अभी उम्मीद नहीं छोड़नी है कि नहीं जी अब तो हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता और हमें होपलेस हो जाना है। आपको मेहनत करते रहना है, आपका बच्चा भी आगे निकलेगा। अच्छा, अब निकलेगा तो कैसे आपको पता चलेगा आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, तो उसके लिए
हमने देखा कि आप देखिए अगर आपके बच्चे में सोशल कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है, जैसे पहले बिल्कुल अलग थलग रहता हो, अब आपसे घुलने मिलने लगा या दूसरे बच्चों से घुलने मिलने लगा, इसका मतलब कि आपका बच्चा इंप्रूव हो रहा है, उसका सोशल रिलेशन इंप्रूव हो रहा है। रिपीटेटिव बिहेवियर से हाथ हिलाता हो, गोल गोल घूमता हो, वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब आपका बच्चा इंप्रूव हो रहा है। एडेप्टिव स्किल्स अगर उसके डेवलप हो रहे हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप हो रही है, बच्चे की समझ विकसित हो रही है, बच्चे अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहा है, जैसे पहले बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो, बहुत ज्यादा गुस्सा करता हो, अब जो है कम गुस्सा करने लगा हो, तो उसके अलग अलग हॉबीज डेवलप हो रहे हो, इंटरेस्ट उसके बढ़ रहे हो कि अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट लेने लगा हो, या फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे यूजुअली ऑटिज्म वाले बच्चे रिजिड होते हैं कि हम यही करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसी रास्ते जाएंगे, इसी घर में रहेंगे, इसी कुर्सी पे बैठेंगे, तो अगर वो फ्लेक्सिबल हो रहा हो तो आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब क्या ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी है, तो ये आप भी जानते हैं कि डिसेबिलिटी नहीं है, ट्रेडिशनल सेंस में डिसेबिलिटी नहीं है। और अब अगला जो चैलेंज होता है, पेरेंट्स पूछते हैं कि एडीएचडी और ऑटिज्म में अंतर क्या है। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इनमें एडीएचडी में क्या होता है, इन अटेंशन होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, इंपल्सिविटी होती है, लेकिन सोशल इश्यूज कम होते हैं, जबकि इसमें एएसडी में क्या होता है, सोशल कम्युनिकेशन चैलेंजेस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। उसी तरह से एडीएचडी में इंपल्सिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर इसका फीचर है, जबकि एएसडी में रिपीटेटिव बिहेवियर ज्यादा कॉमन होता है। एडीएचडी वाला बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, इंपल्सिव बिहेवियर शो करेगा, लेकिन एएसडी में रिपीटेटिव बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है। अब हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लो फंक्शनिंग ऑटिज्म यानी बच्चे का आईक्यू लेवल कम होता है, और वो जो है उसके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में भी चैलेंजेस फेस करता है। को ऑकरिंग कंडीशंस क्या होते हैं, जैसे हमने बताया कि एंजाइटी, एडीएचडी, डिप्रेशन, ओसीडी, एपिलेप्सी, मूड डिसऑर्डर, ये सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने कहा था, इस वीडियो को अंत तक देखने पर आपको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। वीडियो को यदि अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना फ्री गिफ्ट कलेक्ट कर लें, जिस जो ऑटिज्म ट्रीटमेंट चेकलिस्ट के रूप में होगा, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि आपके बच्चे के ऑटिज्म ट्रीटमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।